साध संगत जी प्रेम से कहना धन्यवाद जी। आप सभी महात्माओं के चरणों में 10 का कोटि कोटि नमन और आप सभी देखने वालों को प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल जी और अस्सलाम वालेकुम। आप सभी से निवेदन है कि ये रतिराम का एक अद्भुत कलेक्शन है जो लगभग 160-165 साल पुराना विद मेड इन जर्मन जुबलेट बास और फीमेल, बास और मेल और मेल अधिकांश इसमें बास और फीमेल उपलब्ध है। यह एक ऐसे स्थान पर मौजूद है जहाँ पर आज मेरा आना हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि जिसकी कृपा से, जिसकी रहमत से ही सारा संसार चलता है, जिसने मुझे और आप सभी को जीवन दिया है, उसे हम खुदा, ईश्वर, गॉड, वाहेगुरु सभी नाम से पहचानते हैं। तो यह एक अवतारवाणी है, अवतारवाणी की ये कुछ लाइन आपके सामने दिखाई दे रही है। सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी के माध्यम से ये बनाई हुआ है। ये हमने अभी धूप बत्ती जला हुआ है, तो इसे चलाने से वातावरण का जो माहौल है वो शुद्ध हो जाता है। सिर्फ यही देह है और कोई बाकी कुछ नहीं है। आइए अभी देखते हैं कलेक्शन में क्या क्या उपलब्ध है हमारे पास में, ये जहाँ पर हमें, ये देखिए आप, रतिराम एंड सन्स डेली। इसके स्टॉपर बहुत एंटिक टाइप के बनाए हुए हैं, अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक के हैं, गोल्डन मटेरियल लगा हुआ है इसमें। उसके बाद ये देखिए आप, रतिराम एंड सन्स डेली। रुक जाओ, अभी देखिए आप ही देख रहे हैं। उसके बाद आ जाइए, ये फिर रतिराम एंड सन्स है, 3.5 सप्तक का जर्मन जुबलेट, बहुत सुंदर बाजा है। देखिए इन सभी के बराबर में हैंडल्स वगैरह पर लिखा होता है जिससे इसकी पहचान होती है, रतिराम एंड सन्स। ऐसा करने से तो बहुत सारा लंबा समय लग जाएगा जिसमें आपको वीडियो देखने में प्रॉब्लम हो सकता है, तो मैं ऐसे करके ज़्यादा समय ना लेते हुए बहुत ही शॉर्ट करके अभी आपको मैं थोड़ा सा नज़ारा दिखा देता हूँ ताकि आप देख सकें। क्योंकि बहुत बंदों की चाहना होती है कि हम एंटिक टाइप के हारमोनियम देखें। ये भी बहुत पुराना बाजा है, लगभग 150 से 200 साल पुराना ही बाजा है। हारमोनियम को हम फिल्मी दुनिया के लिए यूज़ करते हैं, गान गीत संगीत के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन हारमोनियम को स्पेशली करके संगीत के लिए बनाया हुआ है जिससे कि हम संगीत में रम जाएं और परमात्मा के गीत और गुणगान कर सकें। सिर्फ यही देह से इसका निर्माण किया हुआ था, लेकिन आज हम उसे अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। ये देखिए आप, इसमें कैजरल पैरिस लगा हुआ है, कैजरल पैरिस। इनके स्टॉपर जो होते हैं ना, उसमें भी चीनी का काम किया होता था। देखो आप एंटीक, इसके अंदर कैजरल पैरिस का रीड लगा हुआ है, ये मेल बाजा है। ये 3.5 सप्तक का जर्मन जुबलेट बाजा है, बहुत स्पेशल ब्रांडेड बाजा है, बजने में बहुत हाई क्वालिटी का है, विद कपलर है और लेफ्ट कपलर के साथ में। ये देखिए आप, रतिराम एंड सन्स डेली। इसके अंदर जामावाली का रीड लगा हुआ है, बास और मादी जामावाली, बड़ी मुश्किल से वो रीड मिलता है जो इसके अंदर लगा हुआ है। यह जर्मन जुबलेट है, बास और फीमेल, ये भी रतिराम एंड सन्स द्वारा बनाया हुआ है। ये बाजा सबसे पहले मेरे हाथ में जब आया था तो बहुत पुराने समय पहले मेरे पास आया था। ये जर्मन जुबलेट का बास और फीमेल रतिराम एंड सन्स 3.5 सप्तक है। यह बाजा आप देख सकते हैं रतिराम के द्वारा नहीं बना हुआ है, ये प्यारे लाल जी के द्वारा, प्यारे लाल सिंह जी के द्वारा बनाया हुआ है। लेकिन बास और फीमेल का एक अद्भुत संगम इसके अंदर लगा हुआ है, बिल्कुल फ्रेश कंडीशन के सभी रीड्स इनके अंदर अवेलेबल हैं जो बाजे रखे हुए हैं। यह भी 3.5 सप्तक का है। ये श्रीमती बहन कौशल्या रानी जी के द्वारा ये नवरत्न ख्याति प्राप्त उनको था, तो उनके पास में ये बहुत लंबे समय तक रहा हुआ है और आज ये एक अलग जगह पर मौजूद है। इसके अंदर मेल है, जर्मन जुबलेट का बिल्कुल अनटच रीड है। यह एक लैपटॉप हारमोनियम है, दिखने में बिल्कुल लैपटॉप के जैसे लगता है,
मेड इन ब्रिटिश है, ये दिखा देता हूँ आप जी को मैं। यहाँ पर देखिए मेड इन ब्रिटिश की मोहर लगी हुई है, यह भी लगभग सैकड़ों साल पुराना बाजा हो सकता है कम से कम। यहाँ पर भी मेड इन ब्रिटिश लिखा हुआ है, बहुत सुंदर ढंग का और बढ़िया बजने वाला एक स्टैंडर्ड, एक अच्छी क्वालिटी का, बहुत छोटी सी जगह में रखा जाने वाला, फोल्ड हो जाने वाला बाजा है ये। रतिराम एंड सन्स भावनगर, बस और फीमेल। अब देखिए मेल मेल है, रतिराम एंड सन्स तो नहीं है लेकिन किसी अच्छे बनाने वाले का ये हारमोनियम है, जर्मन के साथ में है, मेड इन जर्मन रीडिस के अंदर उपलब्ध है, या फिर रतिराम जी के द्वारा बनाया हुआ है। ये देखिए आप, ये देखिए, यह बहुत पुराने समय का बाजा है, लगभग 150 से 200 साल पुराना बाजा है। इसके बनावट कुछ इस तरह की इसके हैंडल की है, यह भी एक बहुत पुराने समय का बाजा है लेकिन इसके अंदर जर्मन नहीं लगा हुआ है, इसके अंदर कुछ और रीड लगा हुआ है। ये देखिए आप एनएस, इसमें एनएस का रीड लगा हुआ है, 3/4 सप्तक का ये फोल्डिंग टाइप का हारमोनियम है। ऐसे करके सभी बाजे मैंने आपको दिखाए हैं, अभी थोड़ा थोड़ा सा इनका मैं आपको वॉइस क्वालिटी एक बार थोड़ा सा दिखा देता हूँ। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी आवाज़ किस प्रकार से कैसी कैसी लगती है। अच्छा करिए वीडियो, थोड़ा नज़दीक वाले बोलिए में। ये देखिए अभी दिखाता हूँ आपको, थोड़ा नज़दीक बढ़ो। इसमें डस्टिंग बहुत ज़्यादा हो रखी है जिस कारण से बजाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, और यहाँ पर ये इसमें टच हो रखा है, तो अभी मैं आप जी को थोड़ा और दूसरी और दिखाता हूँ प्ले करके। देखिए आप अभी यो का गुलाब दे, अभी अभी देखिए ये अभी रतिराम एंड सन्स का बाजा है, बहुत सुंदर बना हुआ ये हारमोनियम है। से भरा हुआ बहुत बढ़िया, बहुत मीठा ये बाजा आपको दिखाया अभी, ये बास और मेल है शायद। रतिराम एंड सन्स बास मेल,
बर्तन को नहीं छोड़ रहा। उसके बाद आप ये देखिए नेक्स्ट में, ये भी रति रामायण सेंस के द्वारा बाजा है। अच्छे करो ये देखिए, ये रतिराम जी के द्वारा बना हुआ तो नहीं है, लेकिन ये उनसे भी पुराने समय का बना हुआ है। इसमें बास और फीमेल मेड इन जर्मनी लगा हुआ है। अभी देखिए इसकी थोड़ी अलग सी आवाज होती है। और फीमेल इसके अंदर लगा हुआ है, मेड इन जर्मनी। ये हारमोनियम है। इसके अंदर भी मेड इन जर्मनी जो ब्लेड का बास और फीमेल रीड लगा हुआ है। सर्विस इज नीड, ये इसमें मरम्मत की, सर्विस की इसमें अभी कमी महसूस हो रही है। ये देखिए, ये कौशल्या जी द्वारा बना हुआ ये हारमोनियम है। पूरा दिखाओ, मेल हारमोनियम है 3.5 सप्तक का। अभी इसमें देखिए आप, प्यारे लाल जी के द्वारा इसमें भी सर्विस की कमी महसूस हो रही है, जिस कारण से इसमें कोई वीडियो भी क्लियर नहीं किया जा सकता। ये रति राम एंड सन 3.5 सप्तक का हारमोनियम है। अभी देख रहे हैं आप, बहुत पुराने समय का ये हारमोनियम है। देखिए बहुत स्पेशल करके इसमें बनाए हुए हैं, सभी बाजों में लगभग 90% बाजों में स्टॉपर भी इसमें अलग ही लगे हैं। ये देखिए, साढ़े तीन सप्तक
3.5 सप्तक तक जर्मन जुबिलेट रेटिरामेंट सेंस हारमोनियम है, इसे खोलने में असुविधा नहीं है क्योंकि इसमें पेंच लगे हुए नहीं है। तो इसमें मैं आसानी से आपको दिखा सकता हूँ, इसमें जर्मनी रीड लगा हुआ है। जर्मनी रीड कैसा होता है कुछ बंदों को पता है इसके बारे में, लेकिन कुछ अभी देख सकते हैं। ये देखिए अभी आपको दिखा दे रहा हूँ, यह बास मेड इन जर्मनी जुबिलेट, साफ सुथरा बिल्कुल फ्रेश कंडीशन का रीड है। देखिए यह है फीमेल मादी, 3.5 सप्तक बिल्कुल फ्रेश कंडीशन, अच्छी कंडीशन का रीड है। इसमें भी मेड इन जर्मन जुबिलेट की प्रिंट सभी में पड़ी हुई है। लोगो जी पकड़ो, कुछ बाजे ऐसी प्रकार के हैं जो ऐसे खोले जा सकते हैं, ऊपर से उठ सकते हैं। थोड़ा सा आपको मैं नज़ारा दिखा दूँ, एक सेकंड के लिए वहीं रहो आप। ये देखो आप, ये दूसरा बाजा है, इसमें भी खुलने वाला सिस्टम बाहर से है, जिस कारण से देखने में आपको थोड़ा इसमें सुविधा हो जाएगी मुझे खोलने में। ये देखिए आप, बास मेल मेड इन जर्मनी जुबिलेट, फ्रेश कंडीशन के रीड लगे हुए हैं। और अभी देखिए आप, अभी नेक्स्ट बाजी पर चलते हैं, एक बाजी को दोबारा रिपीट नहीं किया जाएगा जिससे कि समय बच जाए। पकड़िए, यह भी रति रामायण सेंस के द्वारा बना हुआ बाजा है, बहुत पुराना बाजा है। वाह जी वाह, लगे हुए हैं, नहीं तो खोल करके दिखा, तब बहुत स्पेशल कंपनी का रीड लगा इसके अंदर। अभी आप आ जाइए यहाँ पर, इसमें लेफ्ट कपलर वाला रीड लगा हुआ है, लेफ्ट कपलर इसमें लगा हुआ है। बाजा है जिसने भी बनाया था, इसके अंदर वेट भी बहुत ज़्यादा है, वजन है बहुत, तो बहुत सुंदर बजने वाला है हारमोनियम है ये, कजरिन पेरिस मेल मेल। एयर फिटिंग की इसमें कमी महसूस हो रही है, जिस कारण से बहुत अच्छी इसमें आवाज़ नहीं आ रही है। ये हारमोनियम कजरिन पेरिस मेल मेल है, नहीं सॉरी बास मेल है। और इसमें अभी कुर्सी ना ये अड़ी हुई है थोड़ा, इसमें टच कर रखी है, इसमें उतारवाणी रखी हुई है, तो इसको हम प्ले नहीं करेंगे, छोड़ देते हैं, उसमें आ जाइए। ये देखिए अब 3.5 सप्तक, इसमें एनएस का रीड लगा है, जर्मन का नहीं है। आवाज़ तो काफ़ी इसकी अच्छी भी है, ये देखिए अभी पीछे रुक, 3.5 सप्तक का मेल मेल।
थोड़ा पीछे हटिए, इसमें देखिए आप ये बेलो अभी फटा हुआ है, रिपेयरिंग का काम इसके अंदर बहुत ज़्यादा है जिस कारण से ठीक से प्ले नहीं हो पाएगा। हारमोनियम स्पेशल जर्मन जुबिलेट का बहुत बढ़िया बाजा है। आ जाओ इधर, ये हो गया जी रतिराम एंड संस जर्मन जुबिलेट। एयर फिटिंग वगैरह ट्यूनिंग सब कंप्लीट है, बहुत ही मिठास से भरा हुआ हारमोनियम है। ये देखिए आप, बहुत ही मिठास से भरा हुआ हारमोनियम है। अभी हम इससे आगे चलते हैं, ये देखिए बस लास्ट होने वाला है, समय बहुत ज़्यादा होने लग रहा है। ये देखिए आप, सवा तीन सब तक भावनगर शायद बास फीमेल रीड इसके अंदर लगा हुआ है। बहुत मेरा बहुत पसंदीदा ये हारमोनियम है, लेकिन इससे पहले आपको मैं दिखाना चाहूँगा ये लैपटॉप हारमोनियम, उसके बाद फिर इसे देखते हैं अंत में। उससे पहले आते हैं लैपटॉप हारमोनियम में, देखिए ब्रिटिश मेड लैपटॉप हारमोनियम सवा तीन सब तक एंटिकता के साथ में परिपूर्ण अच्छी तरह से ओरिजिनलिटी के साथ में है। ब्रास का काम फिटिंग इसमें किया हुआ है, देखिए हो गया। ये लास्ट हारमोनियम है, अंतिम हारमोनियम में अभी आप देख रहे हैं रतिराम एंड सन्स का हारमोनियम है, बहुत बढ़िया पावरफुल हारमोनियम है, बिल्कुल रेडी किया हुआ है। मन तो करता है कि बहुत सारा समय अपना सारा जीवन इसी की दुनिया में गुजार दूं, क्योंकि इतने सुंदर सुंदर हारमोनियम जब मेरी नज़र के सामने जब कहीं पर आ जाते हैं तो मेरा मन बहुत प्रफुल्लित हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है। एक समय चाहे खाना ना मिलो लेकिन हारमोनियम मुझे ज़रूर मिल जाए और इससे मैं संगत कर सकूँ, आप लोगों को आप सभी का धन्यवाद अदा कर सकूँ।
और मिलजुल कर हम सभी परमात्मा की काम के लिए, परमात्मा को एहसास करने के लिए, जानने के लिए, उसके गुणगान स्तुति करने के लिए हम संसार में आए हुए हैं। तो मिलजुल कर सभी प्रेम से इस संसार में जिए और अपनी छाप छोड़ कर जाएं। बहुत सारा समय आप जी इस वीडियो में मुझे दिया है, 20-25 मिनट हो चुके हैं, तो प्रयास तो यही किया था कि कम से कम समय में आप जी को दिखा दूँ। वो जो समय आपने इसमें दिया है उसके लिए आभारी हूँ। आप सभी महात्माओं का, आप सभी प्रेमियों का, आप सभी सज्जनों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना करता हूँ। गलती शलती भूल चुक हो जाए तो बख्श लेना, माफ़ कर देना आप जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप जी का। धन्यवाद जी और नमस्कार जी। ये हमारे वीडियो मेकर हैं जिन्होंने सभी वीडियो आप जी को दिखाया है, श्री रामचंद्र एंड रॉस। बहुत पुरातन समय के व्यक्ति, सज्जनता और ईमानदारी से भरे हुए परिपूर्ण हैं। इनका नाम श्री रामचंद्र है, जैसा इनका नाम है वैसे ही इनके कर्म भी हैं। उंगली उठाकर कोई इनकी तरफ गलत नहीं बोल सकता। इनका सुंदर सुंदर सा जीवन शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता है।